पोलन ओव्यूल रेशियो के बारे में देखते हैं। किसी भी पौधे के जो फ्लावर होता है उसमें औसत पोलन ग्रेन की संख्या और ओव्यूल की संख्या जो एक फूल में बनती है उसके अनुपात को ही पोलन ओव्यूल रेशियो कहते हैं। यानी एक ओव्यूल के लिए कितने पोलन उस फ्लावर में बनते हैं इसी को हम बोलेंगे पोलन ओव्यूल रेशियो। और ओव्यूल भी हम उन्हें लेते हैं जो कि सही ढंग से पॉलिनेट होकर बीज के रूप में परिणित होते हैं। मतलब जो ओव्यूल अगर नष्ट हो जा रहे हैं, शुरू में बनते हैं पर बाद तक यानी लास्ट तक जीवित नहीं रहते, उनको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये पोलन ओव्यूल रेशियो होता है और इसके आधार पर हम उस पौधे का हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें किस टाइप का ब्रीडिंग सिस्टम पाया जाता है। जैसे अगर देखते हैं कि वो फ्लावर अगर क्लिस्टोगैमस टाइप का है अर्थात उसमें क्लिस्टोगैमी पाई जाती है तो उसमें पोलन ओव्यूल रेशियो सबसे कम होता है 5 जैसे यहाँ लिखा हुआ है देख रहे हैं आप। ठीक है, तो पोलन ओव्यूल रेशियो 5 होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं कि जो हमेशा क्लोज्ड रहते हैं, जैसे खिलते नहीं हैं, बंद रहते हैं। मतलब उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच सकता है क्योंकि वो तो खुलता ही नहीं है, है ना। तो ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं क्योंकि उसको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है पोलन ग्रेन्स को, और एक बंद फ्लावर के अंदर ये पोलिनेशन करना है इसलिए बहुत कम मात्रा में पोलन ग्रेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसी प्रकार जैसे ऑटोगेमी जिसमें पाया जाता है जिन फ्लावर्स में, ऑटोगेमी अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण आपने पढ़ा होगा। तो स्वपरागण जिनमें पाया जाता है तो चूँकि वो खुले फ्लावर होते हैं इसलिए उनमें कुछ ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन की आवश्यकता होती है। तो पोलन ओव्यूल रेशियो देखा गया है कि 30 आता है, पोलन ओव्यूल रेशियो कितना आता है 30 आता है देखा गया जिसमें स्वपरागण की घटना होती है। तीसरा देखते हैं जिसमें फैकल्टेटिव ऑटोगेमी पाया जाता है अर्थात ऑटोगेमी तो पाया जाता है नॉर्मली परंतु कभी कभी उसमें पर परागण की घटना भी हो सकती है तो उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव ऑटोगेमी या अपूर्ण स्वपरागण। अपूर्ण यानी कि यानी स्वपरागण उसमें हमेशा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी उसमें पर परागण की घटना भी हो जाती है। तो इसमें देखा गया है कि कुछ ज़्यादा मात्रा में पोलन ओव्यूल रेशियो देखने को मिलता है जैसे 170 ऑन एन एवरेज है, एक स्टडी के आधार पर ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। इसी प्रकार अगर हम देखें तीसरा फैकल्टेटिव जीनोगेमी, जीनोगेमी यानी ये एक पर परागण का एक तरीका है यानी क्रॉस पॉलिनेशन का एक तरीका है। तो फैकल्टेटिव अर्थात कि नॉर्मली इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा जीनोगेमी बट कभी कभी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है, स्वपरागण भी हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाला हमने क्या देखा था कि उसमें नॉर्मली ऑटोगेमी होता है अर्थात स्वपरागण होता है, कभी कभी कुछ विशेष कंडीशन में पर परागण भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें नीचे वाले में देखते हैं चूँकि नॉर्मली क्या होता है जीनोगेमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स पहुँचाने की आवश्यकता होती है इसलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन बनना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि दूसरे फ्लावर तक पहुँचने के चांस तभी बढ़ेंगे जब ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, तो चूँकि हमेशा ज़रूरी नहीं होता है इसमें क्योंकि कभी कभी स्वपरागण भी हो जाता है, अगर पर परागण नहीं हो पा रहा है तो स्वपरागण भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 800 के आसपास देखा गया है ऐसे फ्लावर्स में जिसमें फैकल्टेटिव जीनोगेमी या अपूर्ण पर परागण पाया जाता है उसमें 800 तक का एक एवरेज है क्योंकि अलग अलग पौधों में अलग अलग पोलन ओव्यूल रेशियो देखने को मिलता है ना, तो 800 के लगभग का पोलन ओव्यूल रेशियो देखने को मिलता है। और जिसमें टोटल जीनोगेमी होता है, टोटल मत या ऑब्लिगेट जीनोगेमी या जीनोगेमी केवल हम अगर बोलें ये जो कंडीशन है यानी पूर्ण जीनोगेमी यानी पूर्ण पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ही जा सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें नहीं हो सकता। ऐसे पौधों में
पोलन ओव्यूल रेशियो 6,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा देखा गया है, कुछ स्पीसीज में तो और भी ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, उसके ठीक है, जैसे पर परागण में दो तरीके हो सकते हैं कि ये विंड पोलिनेटेड हो। विंड पोलिनेटेड प्लांट्स अर्थात हवा के माध्यम से पोलिनेशन होता है दूसरे फ्लावर पर, यानी क्रॉस पोलिनेशन होता है पर हवा के माध्यम से। तो चूँकि हवा के माध्यम से उड़ते हुए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पॉलन ग्रेन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि इसी के दूसरा जो तरीका है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, तो चूँकि इसमें इंसेक्ट के शरीर पर चिपक के उस इंसेक्ट के माध्यम से दूसरे फ्लावर पर पहुँचते हैं पॉलन ग्रेन्स, इसलिए इसमें जो पॉलन ओव्यूल रेशियो होता है ये कम होता है किसकी तुलना में, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स की तुलना में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। ठीक, तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कि देखो स्वपरागण से जैसे जैसे हम पर परागण की ओर बढ़ते हैं तो उसमें पोलन ग्रेन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है। ठीक है, और वो नेचुरल भी समझ में आता है, तो इस आधार पे हम एक संभावित तौर पे एक पोलन ओव्यूल रेशियो से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे ब्रीडिंग सिस्टम कौन होगा। मान लीजिए किसी में आपको मिलता है तो 100 के करीब पोलन ओव्यूल रेशियो, तो आप उसमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें स्वपरागण या ऑटोगेमी पाया जाता होगा। ठीक है, किसी में पोलन ओव्यूल रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है, तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें पर परागण की घटना ज़्यादा होती है या। ठीक है, तो पोलन ओव्यूल रेशियो हालांकि इतना स्पष्ट रूप से अभी तक कैटेगराइज नहीं किया जा सका है कि कितना रेशियो तक ये सही माना जाएगा। ठीक है, ये कितना इस रेशियो तक हम बोल सकें कि इस रेशियो में ये जीनोगेमी होगा या पर परागण होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और इतने रेशियो से नीचे आने पर ऑटोगेमी होगा, एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, तो पर एक टेंटेटिव या संभावित अनुमान इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है पोलन ओव्यूल रेशियो। ठीक।